आप लोगों को बता दूं कि जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि भीख मांगते हुए नजर आते हैं, और इस समय जो जम्मू इस हालत से गुजर रहा है, इस समय प्रशासन के पास इनकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हर एक व्यक्ति को जब कोई भी देखता है तो संदिग्ध व्यक्ति जो है वो उसे कहा जाता है कि वो संदिग्ध हैं। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जम्मू के कई ऐसे कोने हैं यहाँ पर कई सारे ऐसे औरतें हों, आदमी हों, मासूम छोटे बच्चे हों, वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस समय कुछ समय की पहले बात करूं तो कुछ समय पहले डीसी जम्मू द्वारा सातोर से इन छोटे मासूम बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, ताकि ये बाल जिस ताकि ये इतनी छोटी उम्र में इस तरीके से भीख मांगते हुए ना नजर आए। इनको स्कूल भी दिए गए थे कि आप स्कूल में पढ़ेंगे। तो अभी भी ऐसी चीज़ें हैं कि अभी भी छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं उनकी माएँ हैं उनको भीख मंगवा रही हैं और उनों पर नजर आती हैं। कुछ वीडियो जो थे वो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए कि किस तरीके से ये तमाम जो इलाके हैं जम्मू के जितने भी सिग्नल हैं वहां पर अभी भी इस तरीके से लोग जो हैं अपने बच्चों को लेकर भीख मांगते हैं। तो डीसी जम्मू द्वारा जो पहले ये बच्चे जो है रेस्क्यू किए गए थे तब काफ़ी हलचल मची थी, जितने भी लोग बच्चों से काम करवा रहे थे, चाहे वो दुकानदार होटलों में बच्चों से काम करवा रहे थे, किसी भी दुकान पर बच्चा छोटा माइनर को काम कर रहा था, या फिर बच्चे भीख मांग रहे थे, तो उस समय हलचल देखने को मिली थी। काफ़ी सारे बच्चे जो है इस तरीके से जो काम कर रहे थे वो रुके भी थे। इस समय जम्मू की बात करूँ तो जम्मू में काफ़ी थ्रेटों का माहौल है, और ऐसे में आप लोगों को बता दूं कि जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि भीख मांगते हुए नजर आते हैं, और इस समय जो जम्मू इस हालत से गुजर रहा है, इस समय प्रशासन के पास इनकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हर एक व्यक्ति को जब कोई भी देखता है तो संदिग्ध व्यक्ति जो है वो उसे कहा जाता है कि वो संदिग्ध हैं। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जम्मू के कई ऐसे कोने हैं यहाँ पर कई सारे ऐसे औरतें हों, आदमी हों, मासूम छोटे बच्चे हों, वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस समय कुछ समय की पहले बात करूं तो कुछ समय पहले डीसी जम्मू द्वारा सातोर से इन छोटे मासूम बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, ताकि ये इतनी छोटी उम्र में इस तरीके से भीख मांगते हुए ना नजर आए। इनको स्कूल भी दिए गए थे कि आप स्कूल में पढ़ेंगे। तो अभी भी ऐसी चीज़ें हैं कि अभी भी छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं उनकी माएँ हैं उनको भीख मंगवा रही हैं और उनों पर नजर आ रही हैं। कुछ वीडियो जो थे वो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए कि किस तरीके से ये तमाम जो इलाके हैं जम्मू के जितने भी सिग्नल हैं वहां पर अभी भी इस तरीके से लोग जो हैं अपने बच्चों को लेकर भीख मांगते हैं। तो डीसी जम्मू द्वारा जो पहले ये बच्चे जो है रेस्क्यू किए गए थे तब काफ़ी हलचल मची थी, जितने भी लोग बच्चों से काम करवा रहे थे, चाहे वो दुकानदार होटलों में बच्चों से काम करवा रहे थे, किसी भी दुकान पर बच्चा छोटा माइनर को काम कर रहा था, या फिर बच्चे भीख मांग रहे थे, तो उस समय हलचल देखने को मिली थी। काफ़ी सारे बच्चे जो है इस तरीके से जो काम कर रहे थे वो रुके भी थे। लेकिन एक बार फिर वही नज़र देखने को मिल रहा है कि जम्मू का हर एक सिग्नल, हर एक चौक में कोई ना कोई आपको यहाँ पर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हों, महिला हो, पुरुष हो, तो इस तरीके से भीख मांगते हुए नजर आते हैं। तो सातोर से समय जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन तमाम लोगों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ये कहां से आए हैं, कहां ये रहते हैं, काम क्या करते हैं। अगर ये दिन के समय इस तरीके से घूमते हैं, भीख मांगते हैं, तो रात के समय ये क्या करते होंगे। इस समय जम्मू में आपने देखा कि इस तरीके से माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है, कई सारे ऐसे मिलिटेंट अटैक हैं अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिले हैं, हमने अपने कई जवानों को खोया है, कई सारे सिविलियंस की भी जान गई है। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर में कौन कहां का रहने वाला है, पूरी जानकारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से इस समय जो जम्मू जिन थ्रेटों को झेल रहा है, जिस समय जम्मू हाई अलर्ट पर है, इस समय इनको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इन तमाम लोगों की जानकारी होना, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ ये रहते हैं, क्या ये काम करते हैं, क्या ये उनके साथ मिले हुए तो नहीं है। क्योंकि पिछली खबरों की बात करें तो पिछली कई सारी ऐसी खबरें हैं जिसमें हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की खबरें की थी, तब भी ये उनके साथ मिले हुए पाए गए थे। ज़्यादातर चोरियाँ जो होती हैं और कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, जब बाइक चोरी होती है तो कई सारे ऐसे मसले हल किए जाते हैं, उसमें भी ये मिल तो पाए जाते हैं, उसमें भी इनका हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ पर ध्यान देना होगा
संज्ञान लेना होगा। ये तमाम जितने भी लोग हर एक सिग्नल के पास इस तरीके से भीख मांगते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, इनका पता होना चाहिए आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो इस चीज़ पर संज्ञान देना होगा ताकि जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो कोई खतरा ना साबित हो। फिलहाल जो रिपोर्ट थी वो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर रखें। इस तरह देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनिल और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।